हेलो गाइस, आप देख रहे ए टू जेड होम्स डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन होम्स प्लान की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं एक प्लान लेके आया हूँ जिसका साइज है 15x30। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इसमें आपको फ्रंट में 1 शॉप मिलेगी, अंदर आपको 2 BHK हाउस प्लान कम्प्लीट मिलेगा विथ बाइक पार्किंग के साथ में। अब मैं आपको इसके 3D पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको प्लान मिलता है। फ्रंट इसका 15 फीट दिया, लंबाई इसकी 30 फीट रखी हुई है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको वेंटिलेशन जाल भी दिए गए हैं, वेंटिलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देख सकते हैं कंप्लीट अटिया के साथ आपका कंप्लीट प्लान बना हुआ है पूरा। अगर आपका किसी अदर साइज का प्लॉट है तो हमारे चैनल पे आके यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप काफ़ी प्लान मिल जाएंगे अदर अदर साइज के। देख सकते हैं अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो बढ़ते अपने प्लान की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में आपको कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिल जाता है। ये गेट आपका 6 फीट का लगा हुआ है। गेट से पहले आपको कुछ इस तरीके से रैंप दी है बाइक पार्किंग के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको दुकान के लिए सीढ़ियाँ उपलब्ध कराई हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको शटर मिल जाता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से दिख जाता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे जीने के नीचे बाइक पार्किंग मिल जाती है। कुछ इस तरीके से आपको बाइक पार्किंग मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको जीना मिल जाता है। जीना आपका 2.5 फीट का दिया हुआ है। देख सकते हैं जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके रखा है। ये पैर रखने वाला 9 इंच का, इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी है। कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेशन 3x5 का बना हुआ है, जिसकी हाइट मैंने 7.5 फीट रखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको कुछ इस तरीके से शटर मिल जाता है। शटर से आप एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आपको एक दुकान दिख जाती है, जिसका मैंने साइज रखा हुआ है 9x10। 9x10 इसका साइज दिया दुकान का। अगर यहाँ पे आप 3 फीट का जीना करते हैं तो यहाँ पे आपको 8x10 की दुकान मिलेगी। देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो मिल जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको हॉल मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आपका हॉल बना हुआ है। हॉल के वेंटिलेशन इस साइड से भी आपको विंडो दी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड से भी आपको विंडो उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पे एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं। इस हॉल का मैंने साइज रखा हुआ है 9x9 का। यहाँ पे आपको हॉल मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन इस साइड से आपको विंडो मिल जाती है। देख सकते हैं अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पे आपकी किचन डेकोरेट हो जाएगी। इस किचन का मैंने साइज रखा हुआ है 7x5। 7x5 की आपको यहाँ पे किचन मिल जाती है। देख सकते हैं अगर आप ओपन किचन रखना चाहते हैं ओपन भी आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है। पीछे से आपको यहाँ पे छोटा सा रोशनदान मिल जाता है। देख सकते हैं अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कमांड भी दिखाती है, जिसका मैंने साइज रखा हुआ है 4x8। 4x8 के यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कमांड दिख जाती है। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो मिल जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पे आपको रूम दिख जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के इस साइड से भी आपको विंडो दी है, इस साइड से भी आपको विंडो उपलब्ध कराई है। यहाँ पे एग्जॉस्ट भी आप लगा सकते हैं। देख सकते हैं इस रूम का मैंने साइज रखा हुआ है 10x10। ये 10x10 का आपका कंप्लीट रूम बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर में आपको 1 शॉप मिलती है, 1 BHK हाउस प्लान कंप्लीट मिलता है विद बाइक पार्किंग के साथ में। देख सकते हैं अब बात करते हैं ऊपर के प्लान की। तो जीने से आपको ऊपर आना, ऊपर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिख जाता है। जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद तुरंत ऊपर जाने के लिए आपको जीना मिल जाता है। देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो मिल जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉल मिल जाता है, जैसा कि आपको नीचे देखने को मिला था 9x9 का आपका हॉल बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं यहाँ पे आपको किचन मिल जाती है 5x7 की, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वेंटिलेशन विंडो भी उपलब्ध कराई है। कुछ इस तरीके से आपको वेंटिलेशन दिया हुआ है। देख सकते हैं ऊपर जाल रखा गया है, आपको डिटेल में दिखा दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं हॉल के वेंटिलेशन इस साइड से भी आपको विंडो उपलब्ध कराई गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कमांड दिख जाती है, जिसका मैंने साइज रखा हुआ है 4x8। ये 4x8 की आपकी लैट्रिन बाथरूम कमांड बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन छोटा सा रोशनदान दिया हुआ है। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन इस साइड से भी आपको विंडो मिल जाती है, और इस साइड से भी आपको विंडो उपलब्ध कराई गई है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको 10x10 का रूम मिल जाता है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिखता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं यहाँ पे आपको रोड साइड से एक छोटा सा रूम दिख जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बालकनी में आने जाने के लिए एंट्री गेट दिया है। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन विंडो भी उपलब्ध कराई गई है। ये छज्जा आपका 3 फीट का निकला हुआ है। यहाँ पे आपको 3 फीट की सेपरेट बालकनी मिल जाती है। इस रूम का मैंने साइज रखा हुआ है 9x10। ये 9x10 का आपका छोटा सा रूम बना हुआ है। देख सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आपको 2 BHK हाउस प्लान कंप्लीट दिखता है। देख सकते हैं
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको विंडो प्लग कराई है, ये आपकी विंडो ओपन हो जाया करेगी। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप विंडो खोल के बाहर का माहौल देख सकते हैं। कंप्लीट हटिया आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है, पूरी आपकी कंप्लीट हटिया बनी है। यहाँ पे देख सकते हैं एक आपको जाल दिया है, एक आपको पीछे साइड भी जाल दिया हुआ है। फ्रंट का एलिवेशन आपका कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, देख सकते हैं। ऊपर वाले छज्जा आपका तीन प्रकार निकला है, नीचे वाला भी छज्जा आपका तीन प्रकार दिया हुआ है। दोनों विंडो आपकी ओपन हो जाया करेंगी, देख सकते हैं। 15x30 में वन शॉप के साथ हाउस प्लान पूरा कंप्लीट आपका बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान आपको बहुत ही पसंद आया होगा। प्लान पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने धन्यवाद।